वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 6,330 नए मामले। मुंबई से सटे ठाणे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले, आज से 12 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण बढ़ने से ठाणे प्रशासन अलर्ट, सख्ती से नियमों का पालन कराने की कोशिश। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स पर भी कोरोना की मार, एक सीनियर सदस्य संक्रमित। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल के मुताबिक मुंबई में कोरोना काबू में, भले ही 80,000 केस पर अस्पतालों में सिर्फ 9,000 मरीज। कोरोना वायरस की महाराष्ट्र के गणेश उत्सव पर तगड़ी मार, मूर्तियों के ऑर्डर में 80% की गिरावट। प्रियंका गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है बीजेपी, प्रियंका गांधी से बंगला खाली करवाने पर कांग्रेस नेता और मंत्री बाला साहेब थोराट का बयान। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में निर्देशक संजय लीला भंसाली से होगी पूछताछ, बांद्रा पुलिस ने भेजा नोटिस। संजय लीला भंसाली ने ऑफर की थी सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म पर, कुछ वजहों के चलते फिल्म में काम नहीं कर पाए थे सुशांत। मुंबई में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना, अगले दो दिनों में जोरदार बारिश का अलर्ट। अगले दो दिनों तक मुंबई में भारी बारिश की, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट। कल साइक्लोन निसर्ग की मार झेलने वाले रत्नागिरी में भी भारी बारिश की आशंका, शनिवार को रायगढ़ में हो सकती है भारी बारिश। मुंबई पुलिस ने पिछले दो दिनों में जब्त किए 5,877 वाहन, 2 किलोमीटर के दायरे का नहीं किया गया था पालन। मुंबई में 2 किलोमीटर के दायरे के बाद सिर्फ अपने दफ्तर, फैक्ट्री, दुकान पर काम के लिए जाने और मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाने की इजाजत, इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन। 429 अंकों की बढ़त के साथ 35,843 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 121 पॉइंट की बढ़त के साथ 10,551 पर बंद। इंडिगो डॉक्टर्स और नर्सों को हवाई किराए में देगी 25% की छूट, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगी यह सुविधा। जून में सोने का आयात 86% गिरकर महज 11 टन रह गया, एक साल पहले जून में 77.73 टन का हुआ था आयात। सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के खिलाफ दर्ज की FIR, मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण में 795 करोड़ की धांधली का इल्जाम। प्रॉपर्टी की तरह म्यूचुअल फंड के निवेश पर लगेगी स्टैंप ड्यूटी, डेट और इक्विटी दोनों में निवेशकों को देना होगा चार्ज। मोदी सरकार लाएगी नई बीमा पॉलिसी, सड़क हादसे में पीड़ित को मिलेगा 2.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। मारुति विटारा ब्रेजा और ह्यूंडई वेन्यू से मुकाबला करेगी निसान की नई कॉम्पैक्ट SUV, 16 जुलाई को जापान में मैग्नाइट नाम से की जा सकती है पेश। आयकर विभाग को वोडाफोन आइडिया के 833 करोड़ 2 हफ्तों में रिफंड करने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का फरमान। फिल्म बेल बॉटम में अक्षय कुमार के साथ काम करेंगी वाणी कपूर, जैकी भगनानी कर रहे हैं प्रोड्यूस। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी अमेजन प्राइम पर होगी 31 जुलाई को रिलीज, लॉकडाउन के चलते बने सिनेमा हॉल। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की केंद्र से मांग, देश में नॉन कंटेनमेंट जोन में सिनेमा घर खोलने की इजाजत दें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।